जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊं पार्ट तो चार है, क्लास दस का है, अभ्यास प्रश्न 4.1 17-22-23 के लिए गुणनखंड विधि। सबसे पहले अपन सवाल हल कर लेंगे। गुणनखंड विधि क्या रहा है अपन से कि निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। ऐसे कि पहला सवाल अपन को दे रहा है, क्या 9x² - 3x - 2। तो गुणनखंड विधि के हल करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि माइनस के दो हैं अचर पद और इसके आगे दिया है अचर पद, तो ये क्या करते हैं इस इन दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा, 18 है बच्चा। तो अब अपन को क्या करना है, 2 18 की आवाज गुणनखंड के 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 1 3। इतना तो कर लिया बच्चा। इतना करने के बाद अपन को क्या करना, चिन्ह काय का है घटाना का, तो घटाने पर 3 बचने चाहिए। तो अपन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 2 6 6 में से 3 घटा दें कितने बचेंगे 3। तो अपन इधर लिख सकते हैं 9x² - 6 में से अगर 3 घटा दोगे तो बचेंगे 3 और गुणा कर दोगे तो 6 3 18 प्राप्त होंगे। 6 और 3 का गुणा कराने पर हमें 18 प्राप्त होंगे और 6 में से 3 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होंगे। हमारा समीकरण हल हो गया, -2 = 0। तो इसे 9x² लिखेंगे। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x और -3x - 2 = 0। तो मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, तो आपने कहा 3 का भाग इसमें जा रहा, इसमें भी जा रहा, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसा करो 3x ही को कॉमन ले लो। तो मैंने कहा ठीक है 3x ही कॉमन ले लेते हैं। तो 2x से 1x कट गया तो क्या बचा, x बचेगा और 3 का भाग देंगे, 3 3 9 और 1x बचेगा, माइनस का चिन्ह, x से तो x कट गया और 3 2 6। अब मैंने कहा भैया इधर तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 ले लेते हैं। तो इधर क्या बचा, मैंने कहा शिल्पा ये दोनों कोष्टक तो एक से मिल रहे हैं, तो ऐसा कर तू इन दोनों कोष्टक में से एक को कॉमन ले ले। कह रही ठीक भैया, मैंने इनको कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 3x। और रामलाल कह रहा भैया इधर तो 1 बचा। मैंने कहा वाह अब तुम सीख रहे हो गणित। क्या सीख रहे बच्चा, अब सीख रहे हो तुम गणित। क्या सीख रहे बच्चा, तुम गणित को सीख रहे हो। रामलाल कह रहा हाँ हम सीख रहे हैं भैया गणित। तो मैंने कहा जब इतने तो कोष्टक मिल गया तो 3x - 2 = 0। तो 3x - 2 है तो उधर काय को हो जाएंगे प्लस के, गुणा में तो काय में आ जाएंगे भाग में। तो इसे अपन क्या कहते हैं, मूल कहते हैं या शून्य। कैसे लिखा, 3x + 1 = 0। तो 3x जब बन जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा और गुणा में तो 3 काय में आ जाएंगे बच्चा भाग में, काय में आ जाएंगे बच्चा भाग में। तो ये दोनों में प्राप्त हो गया, तो हमें मूल क्या होगा 2, 3 और 1 - 1/3। 2/3 - 1/3। तो जब अपने मूल प्राप्त होगा पहले से पहले के सवाल के। अब बात कर लेते हैं बच्चा सेकंड सवाल, क्या सेकंड सवाल को हल करते हैं। आप आशा करता हूँ आपको इतना सवाल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप किसान बच्चा प्रश्न नंबर पहले का दूसरा है, इसको हल करना और भी आसान है। कैसे, सबसे मैंने पहले कहा जो 21 है इसके आगे 8 है तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो गुणा कैसा होता है, 21 8 कितना होता है आपके भैया, 8 8 8 2 16 168। मैंने कहा 168 होगा, इसके बाद गुणनखंड को 2 से काटो 2 8 16, 2 4 8, 2 से काटो 2 4 8, 2 2 4। मैंने कहा फिर 2 से काटो 2 2 4, 2 1 2। अब मैंने कहा 3 से काट दो 3 7 21 और 7 1 7। और घटाने पर चिन्ह का आएगा बच्चा घटाने का, तो घटाने पर कितने बचने चाहिए 22 बचने चाहिए। और गुणा करने पर 168 और घटाने पर 22 हमने कहा हम ले आएंगे। कहा कैसे देखो तुम, अच्छा कहा अच्छा देखें हम देखो तुम, देखो कैसे करेंगे बच्चा 22 आने चाहिए घटाने पर। तो घटाने पर 22 करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चा, 3 2 6 और रुकना क्या कहते 7, 3 2 6 6 2 12 12 2 24। 24 में 7 घटाएंगे तो अपना काम बढ़ रहा, आपने कभी नहीं बढ़ रहा। तो मैंने कहा क्या कर लो तुम, क्या कर लो 7 2 14 और 14 2 28, 7 2 14 14 2 28 और 3 2 6। तो ऐसा करो तुम, अपने गुणनखंड बन गए 14 7 14 14 28। तो 28 × 6 तो कितना होगा 168, 8 6 48, 6 2 12 4 16 168। अब 28 में से हम 6 घटा देंगे तो 22 ही बचेंगे, लिए वही हमारे गुणनखंड बन गए। गुणा करने पर 168 आ रहा है और घटाने पर 22 प्राप्त हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है बहुत अच्छे, इसको तो हम कर ही लेंगे। अब 8x² लिखेंगे माइनस के 28 - 6 और इधर x लिखा तो x लिखो लिखेंगे बराबर में 0।
अब 8x² लिखा माइनस के 28 में से 6 गए तो आप सॉरी 28 6 गए तो 22 ही बच रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस के अंदर गुणा करें तो माइनस के 28 उधर से x माइनस माइनस प्लस के 6x और माइनस के 21 बराबर 0। तो मैंने कहा इन दोनों कौन का मिला, तो आपने कहा 4 का भाग इसमें भी जाया, 4 का भाग इसमें जाया, तो 4x कॉमन ले लें, क्या ले लेंगे x इसमें भी x में, तो 4x कॉमन ले लिया। तो जैसे ही 4x कॉमन लिया तो x से x कट गया तो 1x बचा, 4 का भाग 4 दूनी 8 और x माइनस, तो x से x कट गया, अब 4 का भाग देंगे तो 4 7 28 प्लस, मैंने कहा इन दोनों कॉमन क्या मिला, तो आपने कही इसमें सिर्फ 3 का भाग इसमें जा रहा और इसमें जा रहा, तो मैंने कहा ठीक है 3 ही को ले लो कॉमन, तो 3 का भाग दिया 3 दूनी 6 और इसमें दिया 37 21 बराबर 0। मैंने कहा तो एक दोनों गुणन करें तो एक से ही मिल गए, तो 2x माइनस के साथ ही कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लिया इधर क्या बचेगा 4x, इधर बचेगा 3 बराबर 0। अब 0 है तो लिखेंगे 2x माइनस के साथ बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस के साथ होंगे और x बराबर ये दो गुणा में तो बच्चा भाग में आ जाएंगे, पहले का आंसर आया। अब 4x प्लस 3 बराबर 0 मानेंगे, 4x बराबर इधर माइनस के 3 हो जाएंगे, ये बच्चा गुणा में तो भाग में आ जाएंगे। ये भी आपका बहुत अच्छे शानदार आंसर आ रहे हैं, 7/2 कॉमा माइनस के 3/4 ही आपके बच्चा परम सत्य आंसर है, जिसे अपन मूल कहते हैं और शून्यक भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 जी रहा आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 2। तो ये सवाल जैसे ही देखा शिल्पा ने तो शिल्पा तो घबरा गई, भैया जो सवाल है कि आफत है। मैंने कहा शिल्पा ऐसा है कि आफत नहीं है, सवाल ही है, और तुमको अगर पेपर में अच्छे नंबर ले आए तो उसको हल करना पड़ेगा। वो कह भी ये हम कैसे करेंगे, मैंने कहा तुम ये टेंशन मत लो कैसे करना, वो तो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। तो बहुत ही अच्छा आसान तरीका, जितना आप मैथ से डराओगे मैथ आपको उतनी ही डराएगी, तो मैथ से डरने का नहीं मेरे साथ हो। तो देखो इसका एलसीएम लेना बहुत आसान है, एलसीएम देखो x माइनस 3 इसमें है, 2x प्लस 3 इधर, वो ये दोनों है, तो क्या इसका सब में देखो इन दोनों के x माइनस 3 और 2x प्लस के 3 नीचे इसके अलावा कुछ है नहीं है, तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा x माइनस के 3 और 2x प्लस के 3। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया तो क्या बचा 2x प्लस के 3, तो लिखेंगे 2x और जैसे अपन वो भिन्न नहीं करते हैं बिल्कुल वही भिन्न करनी है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, अब इसका भाग दिया तो जी तो कट जाएगा, ये बचा तो इसका गुणा होता, वही बिल्कुल वही विधि लगानी है। अब 2x 3 से 2x 3 कट गया तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, अपन ने देख लिया तो बच्चा कि 2x प्लस 3 तो ये इसका भाग इसमें देंगे ये तो कट गया, अब क्या बचा x माइनस के 3, तो 1 में किससे गुणा करेंगे अपन x माइनस 3 से। अब x माइनस 3 को टाइम में 2x प्लस 3 का पूरे का भाग देंगे इसमें, तो जो पूरा तो एक साथ तो कट गया तो एक बार गया भाग, तो एक का गुणा किस में करेंगे अपन 3x प्लस के 9 में, किससे गुणा करेंगे एक से, किससे एक से, अब आगे बराबर लगा 0। अब 2x का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितने बच्चा 4 और 1x जे और 1x जे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3, 2 का इसमें गुणा करें 3 दूनी 6 और x से तो x हो जाएगा प्लस, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही की वही संख्या आती है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही की वही संख्या आती है। और नीचे कितना लिखा तो आप सबको नीचे लगा भैया x माइनस के 3 और 2x प्लस के 3 बराबर जी, ठीक है अपन को अब क्या करना बच्चा, अब 4x स्क्वायर कहीं दिख रहा है, आपने कहा नहीं दिख रहा, तो हमने कहा 4x स्क्वायर लिख लूँ, 6x और जे 3x है तो 9x और जे कितने हो गए 10x, अब जे माइनस के 3 और जे प्लस के 9, तो प्लस के 9 में से माइनस 3 घटेंगे तो प्लस के 6 बचेंगे, बचेंगे प्लस के 6 और जे x माइनस के 3 और 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे कैची गुणा कर देंगे, तो एक का हम किसी भी संख्या में गुणा कर दो वही की संख्या आती है 4x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 6 बराबर, और जीरो का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है जीरो, क्या आता बच्चा जीरो। अब इसको अपन आगे के पेज में हल करते हैं, देखते हैं तो अपना कितना बचा था 4x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 6 बराबर जीरो। अब क्या करेंगे अब इसे गुणनखंड करने, लेकिन गुणनखंड करने से पहले जिस 6 का और 4 का क्या करें गुणा, तो 4 और 6 का गुणा करेंगे तो कितने होंगे 4 6 24, तो अपन को 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर आए 10x और गुणा करने पर आए 24, तो हमने कहा 2 का भाग देंगे तो 12 भी गए, 2 से फिर काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 3 1 3, तो इसके गुणनखंड होगा, तो आपने कहा 3 2 6 और 2 2 4, यानी 6 और 4 का हम गुणा करा दें तो 24 आएंगे, और 6 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो कितने आएंगे 10, कितने आएंगे 10, जब अपने गुणनखंड होगा तो हम लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस के 6x
और प्लस की कितनी 4x प्लस के 6 बराबर 6। हमने कहा इन दोनों का कॉमन क्या मिल रहा, आपने ये 2x कॉमन मिल रहा। 2 का भाग 2 दूनी 4, 2x से 1x आ गया तो x बचा, प्लस 2 दूनी 4, x से x कट गया तो कुछ बचा, आपने कहा कुछ नहीं बचा, सॉरी इसमें भाग देना था, 2 × 3 = 6 कितनी बार जाएगा, 2 × 3 = 6 और x से x कट गया 2 × 3 = 6। अब प्लस का चिन्ह, अब इसमें भी क्या कॉमन मिला 2, तो अपन 2 का इसमें भाग देंगे, 2 × 2 = 4 2x और 2 × 3 = 6 इसका 2 का भाग 2 × 2 = 4 2x आ गया और इसका 2 × 2 = 6 ये अलग है, इतना हो गया बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जी दोनों कोष्टक एक से मिल गया तो लिख लेंगे 2x प्लस के 3 और एक कोष्टक में लिखेंगे 2x बचा और प्लस के 2 बराबर 0। यदि 2x प्लस के 3 बराबर क्या है 0, तब तो 2x बराबर क्या होगा माइनस के 3, क्या होंगे माइनस के 3 होंगे, तो 2x बराबर माइनस के 3, तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 3/2। फिर यदि 2x प्लस के 2 बराबर 0, तब तो 2x है जब उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 2/2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर माइनस का 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का 1 और माइनस के 3/2। तो ये अपने क्या है परम सत्य आंसर है, ये अपने क्या बच्चा परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 3 जो कह रहा है 4x² - 2 पोस्ट में a² + b² पोष्टक 1 x प्लस के a² + b² बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे 4x², अब माइनस का 2 का अंदर का गुणा करेंगे और x का भी, तो इसका हम इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 2a² और साथ में क्या आ जाएगा x, अब j माइनस का और j प्लस का तो माइनस के 2b² और साथ में x, प्लस के लिखेंगे a² b² बराबर 0। अब इन दोनों कॉमन क्या मिल रहा, तो आपने कहा 2 मिल रहा है, x उसमें भी है और x उसमें भी, तो x कॉमन ले लिए। 2 का भाग इसमें देंगे 2 × 2 = 4 2x थे 1x कॉमन आ गया तो 1x बचे माइनस के चिन्ह, 2 से 2 कट गया x से x कट गया तो बचा a² क्या बचा a² माइनस, अब माइनस इसमें से क्या कॉमन मिल रहा, तो आपने कहा इसमें से माइनस मिल रहा माइनस के 2² और माइनस के 2² कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस हो क्या बचा 2x और जे माइनस का और जे प्लस तो जाए माइनस के, अब देखो 2² से 2² आ गया तो क्या बचा a² बराबर 0। हमने कहा देखो दोनों कोष्टक एक से मिल गया आपने, ठीक है भैया, तो 2x माइनस के a² जब हम कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा बच्चा 2x और इधर क्या बचेगा माइनस के 2² बराबर 0। तो हम लिखेंगे यदि 2x माइनस के a² बराबर 0, तब क्या होगा 2x बराबर जे माइनस का तो उधर काय का हो जाएगा प्लस का, जे गुणा में तो काय में आ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा a² / 2, 1x का मान क्या आएगा a² / 2 क्या आ गया बच्चा a² / 2। फिर इसको लिखेंगे यदि 2x माइनस के 2² बराबर क्या दे रहा हो 0, क्या दे रहा हो 2² बराबर क्या दे रहा हो 0, तो तब क्या होगा बच्चा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2² जी माइनस का तो काय का हो जाएगा प्लस का, अब जी गुणा में है तो काय में आ जाएगा 2² / 2। तो अपने कौन कौन से आंसर आ गए हैं, 2 निकल गया a² / 2 / b² / 2 a² / 2 / b² / 2 ये दोनों अपने क्या है आंसर हैं, तो यही अपने क्या बच्चा परम सत्य आंसर है, यही क्या बच्चा परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसी के दूसरे प्रश्न, अब चलते चौथे प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर चौथे का पहला सवाल, चौथे का पहला प्रश्न अपन से कह रहा है कि a² b² + b² x - a² x - 1 = 0। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके हम गुणनखंड नहीं करेंगे बच्चा, इसमें डॉट कौन मिलेगा, कौन क्या मिला, तो इसमें 2² और इसमें भी क्या है 2², तो हम 2² को अच्छा कॉमन ले लेंगे, तो आपको भी इधर और 2² और x² इधर और x तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा a² और साथ में क्या बचेगा 2x से 1x इधर कॉमन आया तो x बचा प्लस, इधर तो 2² चला गया x चला गया तो इधर बचा 1। मैंने कहा इसमें से क्या कॉमन मिले, इन दोनों कुछ कॉमन मिला, आपने कहा नहीं मिला, तो मैंने माइनस का 1 ही ले लो, तो 1 ले लेंगे, 1 क्यों ले लेंगे, सब मान प्लस में तो प्लस में आ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी a² x और जी प्लस के 1 बराबर 6। मैंने कहा दोनों कोष्टक एक से मिल गए तो क्या होगा जी a² x प्लस के 1 और ये क्या हो गया अपना 2² x माइनस के 1 बराबर 0। हमने कहा अपना सवाल ही हल हो गया, हम लिखेंगे यदि a² x + 1 = 0, तब a² x जी प्लस का तो उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, जी गुणा में तो काय में आ जाएगा भाग में, काय में आ जाएगा भाग में। फिर लिखेंगे यदि
ए जी कह दिए बी स्क्वायर, यदि बी स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो तब, तो बी स्क्वायर एक्स जो माइनस का होगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जो गुणा में तो क्या में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा भाग में। तो ये दोनों अपने क्या आ गया आंसर आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के एक बटे ए स्क्वायर व एक बटे बी स्क्वायर, ये आपके 55वां आंसर है। अब आपके सामने चौथे का दूसरा प्रश्न जो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ट में एक बटे ए बटे ए प्लस के बी प्लस ए प्लस बी बटे ए कोष्टक बंद एक्स प्लस के बन बराबर जीरो। तो इसको सबसे पहले हल करने के लिए एक्स का अंदर गुणा करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो जी हो जाएगा ए एक्स बटे ए प्लस के बी प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो ए प्लस के बी कोष्ट में एक्स बटे ए प्लस के बन बराबर जीरो। अब बात आई है इसमें कॉमन की, तो हमने कहा सबसे पहले तो एक्स कॉमन मिल रहा, तो जैसे अपन ने एक्स को कॉमन लिया तो अपना क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स चला गया तो क्या बचा ए कोष्ट में ए प्लस के बी, इतना हो गया। अब भाई अब बात बदल रही, भैया इधर क्या कॉमन मिल रहा, हमने कहा इधर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो बच्चा जो आपका जी लिखा ए प्लस के बी बटे ए आप इसी को ले लो कॉमन, तो आपने ए प्लस के बी बटे ए को जब कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा एक्स, क्या हुआ एक्स, और जी क्या गया पलट जाएगा वन है तो जी क्या गया पलट जाएगा क्योंकि इसके बटे में तो ए ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या जाएगा ए पोस्ट में ए प्लस के बी बराबर जीरो, क्या आ गया बराबर, जिसको समझ में आया इसका मतलब जी है कि एक बटे ए प्लस के बी बटे ए, तो जी ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो जी आएगा ए और जी ए प्लस बी बटे में रहेगा। ठीक है बच्चा, अब देखो ये दोनों कोष्टक एक से मिल गए, तो इसको लिखें एक्स प्लस के ए बटे ए प्लस के बी, और इसमें जब ये पूरा कॉमन होगा तो इधर क्या बचा एक्स, इधर जो पूरा कॉमन होगा इधर क्या बचा ए प्लस के बी बटे ए बराबर जीरो। फिर हम लिखेंगे यदि एक्स प्लस के ए प्लस के बी बराबर जीरो तब, तब क्या होगा तो x बराबर जी पूरा प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का a प्लस के b, यदि उसको भी लिखेंगे भाई यदि x प्लस के a प्लस के b बटे a बराबर जीरो, तो x बराबर जी भी क्या हो जाएगा माइनस के a प्लस के b बटे a। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए अपने आंसर आ गए हैं, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस के a कोष्ट में a प्लस के b व माइनस के ए प्लस के बी बटे ए, तो जी आपके परम सत्य आंसर आ गए हैं। अगर आपको इतनी इधर ये समझ में नहीं आओ तो अब कुछ नहीं करना बच्चा, जी अपन ने कॉमन लिया तो इसका मतलब इसमें क्या दिया अपन ने जी भाग दिया, क्या दिया बच्चा भाग दिया, तो जी अपना क्या कौन मिल गया था ये क्या मिल गया था जी पूरा अपन ने इसमें भाग दिया, कट गया पूरा, अब ये भाग दें तो ये ऊपर पहुँचेगा और ए प्लस के बी जी मैंने आपको साइड में लिखा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आएंगे। आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।